टीवी सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। भारत त्योहारों का देश है। यहां कई प्रकार के त्योहार साल भर ही आते रहते हैं, लेकिन हमारे यहां दिवाली सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्योहार 5 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है। इस त्योहार का बच्चों और बड़ों को पूरे साल इंतजार रहता है। कई दिनों पहले से ही इस उत्सव को मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आपको बता दें कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण 14 साल का वनवास पूरा करके अपने घर अयोध्या लौटे थे। इतने सालों बाद घर लौटने की खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से दीपों का त्योहार दीपावली मनाया जाने लगा। ये त्योहार कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। यह त्योहार लगभग सभी धर्म के लोग मनाते हैं, तो वहीं त्योहार आने के कई दिन पहले से ही घरों की लिपाई पुताई और सजावट का काम शुरू हो जाता है। दीपावली का त्योहार जो है, महाराजा जो राम है, रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे इस दिन, और अयोध्या वासियों ने इस खुशी में पूरे अयोध्या नगरी को दीयों से सजाया था। तभी से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली में इंडिया में जो है लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। लक्ष्मी और गणेश दोनों ही शुभ हैं, और लक्ष्मी जी जो हैं धन प्राप्ति के लिए पूजा होती है। इसके अलावा मार्केट में जो है हाथ से बने हुए दिए काफ़ी अब दिखने लगे हैं, और हम सबसे अनुरोध करेंगे कि अपने घर में दियों का प्रयोग अधिकतम करें, और घर में बनी हुई अपने इंडिया में बनी हुई जो लाइटें हैं और सामान है उनका मैक्सिमम यूज करें। मेरा नाम पूजा यादव है। दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, किस तरह की खास रौनक देखने को मिलती है? दिवाली का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है जब भगवान राम, माता सीता, अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। अयोध्या के जो वासी थे दीप को जलाकर उनका स्वागत किए थे, इसी वजह से दीपों का त्यौहार मनाया जाता है। यह कार्तिक मास अमावस्या की रात में मनाया जाता है। इस दिन पहनने के लिए लोग नए कपड़े भी बनवाते हैं, मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं, देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसीलिए उनके आगमन और स्वागत के लिए घरों को दियों से रोशन कर दिया जाता है। धनतेरस से भाई दूज तक ये त्योहार चलता है। धनतेरस के दिन व्यापारी अपने नए बही खाते बनाते हैं, फुलझड़ी पटाखे छोड़े जाते हैं, दुकानों बाजारों और घरों की सजावट देखने वाली होती है। लोग एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं भी देते हैं। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सभी भेदभाव भूलकर आपस में मिलजुल कर ये पर्व मनाते हैं। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है हमारे हिंदू समाज का, जिसे छोटे से लेके बड़े तक, छोटा छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो या बीच का आदमी हो, सारे लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसमें छोटे व्यापारी जैसे फूल माले वाले हो गए, दिए वाले हो गए, कुम्हार हो गए, इनका भी ललक होता है कि आज दिवाली है। वो लोग महीने भर से तैयारी किए, साल भर से वो लोग मेहनत करते हैं छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाने में, दिया बनाने में, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ। और हमारे जो बीच के वाले जो होते हैं वो लोग मूर्तियाँ ले जाकर घर में इनकी पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं भगवान की। दिवाली इस तरह का त्यौहार होता है। लोग दिए से और फूलों से अपने घर को सजाते हैं। यहाँ तक दिवाली में सबकी दुकानदारियाँ बढ़िया होती हैं। आजकल तो ऑनलाइन वालों ने इनकी दुकानदारियाँ बहुत डाउन कर दी हैं, पर हमारे यहाँ मोदी जी के कहने के अनुसार, योगी जी के कहने के अनुसार लोग अब भावुक हो गए हैं। अब ऑनलाइन की दुकानदारी कम करके लोग अपने शहर में अपने नज़दीकी दुकानदारों से ही सामान परचेज कर रहे हैं। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।